नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये एक अक्षर मात्र, इसके उच्चारण से, इसको सिद्ध कर लेने से आप खुद देखेंगे दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा पावर आ जाएगा कि आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग मन से ही आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ता ही जाएगा, आपकी खुद की जो डिसीजन शक्ति है, निर्णय शक्ति बहुत जबरदस्त आएगी। किसी भी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जो रूप है भगवान श्री हरि का वैसा ही आपका रूप डेवलप होने लग जाएगा, सिर्फ एक इस अक्षर को बोलने मात्र से। लेकिन इसको बोलना कैसे है, करना कैसे है, इसे आप बहुत अच्छे से, बहुत शांति से मेरी इस वीडियो में सुन लेना और समझ लेना। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ उसे बड़े ध्यान से, बड़े मन से सुने और बहुत ही पॉजिटिव होकर के करें, बहुत ही पॉजिटिव। आप यदि अच्छा करेंगे दोस्तों तो उसका फल मुझे भी मिलेगा, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप गलत करेंगे तो उसका फल बताने वाले को भी भोगना पड़ता है। यदि आप जो भी, मैं जैसे आपको श्री सूक्त बताती हूँ और जो अच्छी अच्छी पूजाएं बताती हूँ, आप उसे करें। जैसे मैं दान पुण्य का बताती हूँ कि इस चीज़ का आप दान करें, जो भी व्यक्ति उस मंत्र का, मंत्र को करता है, आपकी दी हुई प्रतिमा का यूज़ करता है, आपके द्वारा दिए हुए स्टैचूज का यूज़ करता है, उसका दसवां हिस्सा आप तक अपने आप आता है। शत्रुओं के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि फॉरगिव करो, जाने दो, हटाओ, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। गंदगी को लेकर के चलोगे, कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटा अपने पर ही पड़ता है, है ना, कुछ तो छींटे पड़ ही जाते हैं, तो क्यों इन दुष्टों के चक्कर में पड़े? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे द्वारा बताए गए उपाय से आप कहीं पर भी कोई भी पाप में पड़े, ऐसा कोई भी कर्म करें। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनना और शक्य हो तो करना अवश्य। इस उपाय को दोस्तों, जैसे अभी नवरात्रि आ रही है 17 अक्टूबर से, नवरात्रि में यदि आपने इसको कर लिया, ये बहुत ही पावरफुली काम करेगा। इसके सिवाय आप इसको पूनम के दिन भी कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। सिर्फ इस मंत्र को, इस एक अक्षर मात्र को आप करके देखो दोस्तों। इसके बाद जब भी आपको जरूरत पड़े, सिर्फ 8 बार आप इस अक्षर को बोले और आगे बढ़े, सफलता आपको, आपके चरण चूमेगी, सफलता आपको खोजते हुए आएगी, सिर्फ एक इस अक्षर मात्र से। ये अक्षर भगवान श्री हरि का रूप है, इस अक्षर को बोले और भगवान का ध्यान मात्र करें दोस्तों, रिजल्ट आपको खुद देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए। बेल आइकन अवश्य दबाएं दोस्तों, ताकि मेरा नोटिफिकेशन वीडियोस का आपके पास बहुत आसानी से आ सके, आपको पता चल सके कि हाँ वीडियो आ गई है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। और जो मेरी दूसरी चैनल है दोस्तों, वीना भदौरिया चैनल, उसमें भी जाएं और उसे भी सब्सक्राइब अवश्य करें। उस चैनल को भी इस चैनल की तरह बड़ी सी चैनल बनाना आप ही की जिम्मेवारी है, आप ही की कृपा, आप ही की दया चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आज का उपाय बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना और करना जरूर, यदि कर सकते हैं करना जरूर। आपको यदि आप नवरात्रि में करते हैं, या मैं फिर से बता दूं, पूनम के दिन, गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन, जब भी आपको समय मिलता है आप इसको कर लें। जिस दिन भी आप इसको करते हैं उस दिन आपको पहनने हैं पीले कपड़े। उस दिन आपको भगवान श्री, जैसे अभी आप नवरात्रि करें तो जरूरत नहीं है कि आप अलग से इनकी स्थापना करें, जो भी जहां भी आपने कलश स्थापना की है वहीं पर बैठ करके आप इसका जाप कर लें। और यदि नवरात्रि के पहले या बाद में आप इसको करते हैं तो फिर उस दिन आप भगवान श्री हरि की, यदि आपके घर में स्थापना है तो नए सिरे से कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान श्री हरि की स्थापना तो लगभग हर घरों में होती है, तो उनकी तस्वीर के सामने आपको बैठ जाना है पीले कपड़े पहन करके, पीली मिठाई आपको उन्हें अर्पित कर देना है, ठीक है।
घी का दिया अगरबत्ती लगा लें, और यदि नवरात्रि में करते हैं तो जहाँ आप माता जी की पूजा करते हैं वहीं पर भगवान श्री हरि के नाम की पीली मिठाई चढ़ा दें, एक दिया लगा दें और अगरबत्ती लगा दें, और गेंदे के फूल अवश्य ही उन्हें अर्पित करें। जब भी आप भगवान श्री हरि की पूजा करें दोस्तों, पीले फूल उन्हें अवश्य ही अर्पित करें, खुद भी पीले कपड़े पहने आप, और भगवान श्री हरि की प्रतिमा पर स्टेच्यू पर एक पीला कपड़ा अवश्य उड़ा दें उन्हें। आप देखेंगे दोस्तों आपकी तकदीर बदल जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दोस्तों आपको लेना है तुलसी की माला, ठीक है। तुलसी की माला लेकर के आपको ये अक्षर दोस्तों जो मैं बताने जा रही हूँ सिर्फ 1008 बार बोल लेना है। ज्यादा से ज्यादा आपकी 10 मिनट जाएगी, लेकिन जिंदगी में एक ऐसी शक्ति आपके साथ चलने लग जाएगी जो हमेशा आपकी मदद करेगी। हर जगह जहाँ भी आप रहेंगे भगवान श्री हरि का ये रूप सदैव आपके साथ विराजमान हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको दोस्तों इमेजिन करना है समुद्र को। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी समुद्र में, है ना। भगवान श्री हरि शेषनाग पर कहाँ शयन करते हैं? समुद्र में। समुद्र का जो रूप है इस धरती पर दोस्तों 70% जल ही जल है, समुद्र ही समुद्र है, 30% में ही तो हमें, है ना। तो चारों तरफ हमारे कौन है? भगवान श्री हरि, जो कहाँ विराजमान है? समुद्र में। इस चित्र को, इस फोटो को आपको इमेजिन करना है। ये मंत्र का जाप करने से कुछ देर पहले आप इसमें घुल मिल जाए, और जब भी आप ऐसा कोई मंत्र जाप वगैरह करते हैं सबसे पहले अपने गुरु की एक माला अवश्य ही कर लें, ठीक है। अपने इष्ट देव को याद करें, अपने माता पिता के आशीर्वाद अवश्य ही लें दोस्तों, अपने कुल देवी देवता के आशीर्वाद अवश्य लें। जब आप इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठ रहे हैं अपने कुल देवी का एक दिया अवश्य ही लगा देना। उसके बाद दोस्तों आपको इस मंत्र को बोलने की शुरुआत कर देनी है। आपको बोलना है छिम श क्षत्रिय, जो श लगता है आपको इसको बोलना है, कंटिन्यू शिम शिम। ये समुद्र का श्री हरि का रूप है। 1008 बार आपको ये शिम शिम बोलना है, 1008 बार, बराबर। मतलब आप 10 माला इसकी कर लें एक बार, बस ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। भगवान की आरती उतार दे, उनके उन्हें प्रणाम कर ले, प्रसाद बांट दे, और जब भी दोस्तों आपको जरूरत पड़ती है अपने लाइफ में, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, किसी भी काम से कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस शब्द को आप सिर्फ 8 बार बोलें, सिर्फ 8 बार। सामने वाले के ऊपर आपका प्रभाव जबरदस्त पड़ेगा। जब आपको छोटा मोटा कोई वशीकरण भी सिद्ध करना है, जहां पर भी आप खड़े हो वहीं पर इस मंत्र को 8 बार बोल दें। 8 बार आप इस मंत्र को बोल दें, आपको रिजल्ट खुद दिखाई देगा। घर से आप निकल रहे हैं, इस मंत्र को, इस अक्षर को 8 बार बोले, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखाई देगा। ये श्रीहरि का इस अक्षर के अंदर इतना महान रूप है, इतना बड़ा रूप निहित है दोस्तों, जो जिंदगी में आपको कभी कहीं भी पीछे हट नहीं होने देगा आपकी। बस मैं फिर से बता दूं कि जब आप ऐसा कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका अपना आत्मविश्वास, आपकी अपनी आस्था, आपका अपना भरोसा, ठीक है। जब भी आपको जरूरत पड़े इस अक्षर को सिर्फ 8 बार बोलना, रिजल्ट आप खुद देखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। तो करते रहे दोस्तों, ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य, कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछे दोस्तों। मैं कमेंट बॉक्स हमेशा ही चेक करती रहती हूँ, और जो भी क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि हाँ इसका आंसर मुझे देना है, तो अगली वीडियो में मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर देने की जो आपने मुझसे पूछे होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो करते रहें, खुश रहें, जय श्री कृष्ण।